नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे चैनल एग्जाम आइडिया पे प्रतिदिन संध्या 7 बजे टॉप 10 क्वेश्चंस झारखंड से रिलेटेड मैं लाता हूँ। इसमें से वह क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या जिन्हें बार बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है, चाहे वो JPSC की हो, चाहे झारखंड सचिवालय की हो, या दरोगा की हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर अन्य किसी एग्जामिनेशंस की हो। उसी का ये सिलसिला नंबर 10 है, यानी कि सीरीज नंबर 10 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 9 वीडियो बना रखा हूँ, तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि इसका PDF आप तक पहुँचे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक दिया हुआ है। तो आप चलिए, मैं पहला क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए और आपको क्वेश्चन देता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आप सबों के मैं टर्म में कंडीशन बता देता हूं कि हर एक क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। अगर आपने 10 में से 7 से प्लस अगर आंसर किया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने 7 से प्लस किया है तो तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपने 5 से 7 के बीच में किया है तो तैयारी आपकी ठीक ठाक है। अगर आपकी तैयारी आपके अगर आंसर 5 से कम आ रही है तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है और आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है। तो आपके समय में 3 सेकंड का टाइम हर एक क्वेश्चन में दूंगा। तो आपका मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 तक कहाँ रहे थे। आपका ऑप्शन है रांची, लातेहार, जमशेदपुर, आप पलामू। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट, टाइम समाप्त हो गया है और इसका सही आंसर जो है वो रांची है। रांची इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रांची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन जो है, मलिक मोहम्मद जैसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि मलिक मोहम्मद की जो रचना थी वो कौन सा थी जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि झारखंड का चर्चा मिलता है। पहला जो है पद्मावत, दूसरा अखरवाट, तीसरा आखिरी कलाम, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है कन्हावट। आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्टार्ट, टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है पद्मावत है, जो पद्मती रानी के बारे में उल्लेख है, इसी में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि झारखंड का चर्चा इसमें मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में। पद्मावत एक बहुत बड़ी ग्रंथ है या फिर किताब है जो रानी पद्मावती के बारे में लिखा गया है और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये रचना की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। जो है कि किस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। आपका ऑप्शन दे देते हैं, दामोदर नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट, आपका टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो दामोदर नदी है, यानी कि जो छोटा नागपुर पठार से जिसका उद्गम होता है वो आपका दामोदर नदी है। दामोदर नदी का जो उद्गम है यानी कि वो निकलता है छोटा नागपुर पठार से निकलता है, वो जो कि आपके रांची के आसपास है। ओके, तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, दामोदर नदी। आपका कितना आंसर आएगा, कितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना मार्क्स आपका आया, मुझे कमेंट सेशन में दोस्तों जरूर लिखिएगा और तैसे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के सिलेबस से। ओके, और इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं या फिर PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की अनुसिता लकड़ा ने हॉकी में कौन से राष्ट्रमंडल खेल में जीत हासिल की थी। यानी कि अनुसिता लकड़ा, आपको पता होगा कि ये हॉकी खेलती है, तो ये कौन सा जो राष्ट्रमंडल खेल था, कॉमनवेल्थ गेम था, वो 2010, 2006, 2002 और 2014 में से 1920 में जो है पहली जीत हासिल की थी। तो आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट, टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा,
ओके ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2010 इज द राइट आंसर। अक्षता लकड़ा जो है 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में जीत हासिल की थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अक्षता लकड़ा जो है वो आपके हॉकी खेलती है, आपको खेल का भी जरूर ध्यान रखना होगा कौन सा खेल खेलती है। डायरेक्ट पूछिएगा कि अक्षता लकड़ा का संबंध किस खेल से है, तो आपको आंसर निकालना होगा हॉकी से है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि बेतवा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले से है, तो झारखंड के किस जिले में है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है लातेहार, कोडरमा, रांची और गोड्डा। टाइमर स्टार्ट होता है आपका, स्टार्ट टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि लातेहार जिले में है। ओके राष्ट्रीय बेतवा नेशनल उद्यान कहाँ है, आपके लातेहार जिला में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सिक्स की मैं बात करूं तो भदुल्ली माता का मंदिर किस जिले में है, जो भदुल्ली माता है उसका मंदिर किस जिले में है। ओके तो आपका ऑप्शन है पलामू, चतरा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब, स्टार्ट और ये टाइम समाप्त हो चुका है और इसका आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी है यानी कि चतरा इसका सही आंसर है। जो भदुल्ली माता है उसका जो मंदिर है वो आपके चतरा जिले में है, क्योंकि देखिए भदुल्ली माता जो है भद्रकाली मंदिर को ही जैन धर्मियों ने भदुल्ली माता कहा जाता है। और आपको पता होगा कि भद्रकाली जो मंदिर है वो जैन धर्मियों का ही मंदिर है और इसीलिए जैन धर्मियों ने भद्रकाली मंदिर को भदुल्ली माता मंदिर ही कहता है। इसलिए इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि भदुल्ली माता मंदिर को अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो भदुल्ली माता मंदिर भद्रकाली मंदिर को ही बोला जाता है क्योंकि जैन धर्म के लोग भदुल्ली माता मंदिर ही कहते हैं भद्रकाली मंदिर को। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी, चतरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करूं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की, तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है विष्णु और भागवत पुराण में किस जैन तीर्थंकर को विष्णु का अवतार बताया गया है, यानी कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किस जैन तीर्थंकर को विष्णु का अवतार माना गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर है ऋषभदेव जो हमारे जैन धर्म के प्रथम थे तीर्थकर थे, दूसरा है पारसनाथ जो हमारे 23वें थे, महावीर जो हमारे 4वें थे और क्या है अरिष्टनेमी। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, स्टार्ट, इसका टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वही इनके विष्णु के अवतार माना जाता है, यानी कि आपका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, ऋषभदेव। ओके तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जैन धर्म तीर्थंकर ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर एट की, तो क्वेश्चन नंबर एट है आपके सामने झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगी, तो इसलिए आप इसे स्टार मार्क लगा के रख सकते हैं ये क्वेश्चन को। ओके स्टार मार्क्स भी लगा लीजिएगा ही क्वेश्चंस को। ओके तो आपका ऑप्शन है छऊ, पायका, नटुआ या फिर उपरोक्त सभी। तो अब के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट, टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो छऊ नृत्य है। ओके झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है वो छऊ है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की, तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र झारखंड के किस जिले में है। आपका ऑप्शन है जमशेदपुर, बोकारो, रांची, हजारीबाग। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट, टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो बोकारो है, टाटा स्टील बोकारो सिटी, आपने नाम सुना होगा, जो यूएसएसआर के संध्यन स्वामित्व के हेल्प से ये बनाया गया है, यूएसएसआर के हेल्प से। ओके यूएसएसआर के हेल्प से बनाया गया है बोकारो स्टील प्लांट, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ओके और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है किसके हेल्प से और कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके तो आपका नाइन्थ क्वेश्चन ये खत्म हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बोकारो इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर टेन की, तो क्वेश्चन नंबर टेन कहता है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। ओके जैसे झारखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, इसका ऑप्शन नंबर है 1682 किलोमीटर,
1886 किलोमीटर, 1753 किलोमीटर या फिर 1799 किलोमीटर। आपके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट, टाइम समाप्त हो चुका है और इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1886 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये सही है। ओके, झारखंड राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1886 किलोमीटर है वर्तमान में, ये चीज आप भी राइट डाउन कीजिएगा। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। आपने 10 में से कितना स्कोर किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो बनाने का आपको कितना फायदा मिल रहा है। ओके, तो फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखिए और हमेशा लगन और परिश्रम करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।